पशु तस्करों द्वारा ले जाए जा रहे 90 गौवंश समाज सेवी ने पकड़े। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत सगरा का है मामला। गौवंश के लिए काम करने वाले लोग चाहते हैं तस्करों पर कार्रवाई हो, इन्हें गौशाला में रखा जाए। 90 गौवंशों की तस्करी करते पकड़े गए चल पशु तस्कर, रायपुर करचुलियान तहसील के थाना सगरा का है मामला। पुलिस में FIR दर्ज करवाकर पशुओं को गौशाला में पहुंचाने की मांग की है समाज सेवियों ने। इस तरीके से पशु तस्करी काफी लंबे समय से देखने में नजर आ रही थी। वाहन की जगह पैदल अगर जानवरों को लेके जाया जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा। पशु तस्करी का यह खेल जिसमें प्रशासन अभी तक लगाम लगा पाने में असफल साबित हुआ है, माना जा रहा है यह जानवर छुईया घाटी के रास्ते देवलोन जैसी नगर ब्योहारी कोतमा के रास्ते मलगा छत्तीसगढ़ बिहार पश्चिम बंगाल के रास्ते पहुंचते हैं बांग्लादेश। मामला रीवा जिले में देखने में नजर आया है, रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत सगरा में, जहां पर पैदल पशुओं को चलाकर ले जाया जा रहा था। चल पशु तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए गौवंशों को वाहनों में न भरकर दर्जनों की संख्या में इकट्ठा कर उनको सींग और पांव को रस्सी से बांधते हुए रास्ते और सड़कों से होकर पैदल ले जाते हैं। ऐसे में सामान्य तौर पर यह लोग समझते हैं किसान हैं, किसी दूसरे गांव लेके जा रहे हैं जानवर। लेकिन सवाल आज जब इन पशुओं से ना तो खेती होती है ना कहीं हल में चल रहे हैं, तो इतनी अधिक संख्या में प्रतिदिन गौवंश लेकर ये जाए कहां जाते हैं। आमतौर पर पकड़े जाने पर यह चल पशु तस्कर दलील देते हैं कि वह गौवंशों की खेती किसानी के लिए सैडोल और सीधी लेकर जा रहे हैं, आगे का रास्ता बता देते हैं, जैसा इस मामले में भी कहा जा सकता है। ये कहाँ ले जा रहे हो गोवंश? जा रहे हैं। कौन से काम आई है गोवंश? सर जोते हैं, बछड़ा है तो क्या जोतने के काम में ही आएंगे कि काटने के लिए ले जा रहे हो आप? बछड़ा बताइए, काटने के काम में जाते हैं। अच्छा, मालिक कौन है उसको बुलाओ आप तुरंत। कुछ चल पशु तस्कर लगभग आधा दर्जन थे, वह गोवंशों को सड़क पर चलते हुए आम रास्तों के माध्यम से ले जा रहे थे। वो चल पशु तस्करी इस तरह से काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पर जो पड़रा ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता उधर क्षेत्र में एक्टिव हैं बालकृष्ण द्विवेदी और उनके साथियों के द्वारा लगभग 90 की संख्या में इन चल पशु तस्करों को पकड़ा गया, जिसमें से 90 पशु थे जिनके सिर और पाँव सींगों को रस्सी से जिस प्रकार से बांध करके रखते हैं जिससे वो भागे नहीं और वो कंट्रोल में रहे, ऐसे 90 की संख्या में वो थे। इसकी जानकारी उन्होंने स्थानीय सगरा थाना को दी, साथ में अन्य लोगों को भी दी, अन्य अधिकारियों को, साथ में हमें भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। हमने इसके विषय में संबंधित जिला SP श्री नवनीत भसीन, जिला कलेक्टर रीवा श्री मनोज पुष्प और मनगमा और साथ में रायपुर करचुलियान के प्रभार में जिसमें SDM है श्री AK झा, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और अरविंद कुमार झा जी को उनको फ़ोन के माध्यम से भी हमने सूचित किया है। गौवंश को लेके कुछ व्यक्ति जा रहे हैं तो अभी थाना क्षेत्र में उन पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे कार्रवाई की जा रही है और गौवंश को जो भी निकटस्थ गौशाला है वहाँ पर शिफ्ट करने की तैयारी की जाइए और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएँ पूरी हो सके, इसको देखने के लिए हमारे थाना प्रभारी और SDP साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।